नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 21 सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक प्रबंध, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाएं। पहला चित्र देखिए, ये जलपूर्ति के लिए है। दूसरा चित्र देखिए, पुलिस थाना। तीसरा देखिए, सुलभ शौचालय। आगे देखिए, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बस सेवा, रंगमंच, स्विमिंग पूल। तो बच्चों, ये सब देखा आपने चित्र। ये सारे चित्र में आपको क्या बताया गया है, सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाएं। तो ये सुविधाएं हमने देखी, पहला सुविधा हमने देखी जलपूर्ति का, दूसरा हमने देखा पुलिस थाने का, तीसरा हमने देखा सुलभ शौचालय। तो इनसे, पहले वाले से तो हमें जल मिलता है, दूसरा हमें पुलिस की सुविधा मिलती है, तीसरा सुलभ शौचालय जो कि बहुत नित्य आवश्यक है सबके लिए। फिर उसके साथ हमने यहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र देखा कि आदमी को कुछ भी बीमारी हो जाए, मनुष्य को कुछ भी तकलीफ़ हो जाए, कोई भी कष्ट है, घाव लग गया, चोट लग गया, छोटा मोटा रोग हो गया, तो वहाँ पर जाकर उसका इलाज हो सकता है। बस सेवा, आपको यहाँ से दूसरी जगह जाना है, परिवहन के लिए बस सेवा अत्यंत आवश्यक है। फिर हमारे मनोरंजन के लिए रंगमंच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नृत्य के भागा दौड़ी की ज़िंदगी में थोड़ा तो मनोरंजन चाहिए, तो इसके लिए रंगमंच की सुविधा होनी चाहिए। उसी तरह हम आधुनिक जीवन में जीते हैं तो स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं, ये सारा प्रबंध जो है वो सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाएं जो है, इन सब से मनुष्य को लाभ मिलता है। तो मान लीजिए अगर ये सुविधाएं न हो तो कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होगी, जल की पूर्ति न होगी तो जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, कितनी दिक्कत होगी। अगर पुलिस थाना न हो तो अराजकता फैल जाएगी, सब जगह गड़बड़ी होगी, चोरी बढ़ जाएगी, लूटपाट बढ़ जाएगी, मार झगड़ा बढ़ते ही जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस पर। सुलभ शौचालय जो कि मनुष्य के लिए नित्य ज़रूरी है, आवश्यक है, उसकी सुविधा न हो तो फिर महानगर जैसे, नगर जैसे में रहने वाले लोग कैसे अपना कर पाएंगे व्यवस्था इस तरह का। गाँव तो है नहीं, गाँव में भी इस तरह की सुविधा आजकल हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो ये सुविधा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो है वो बहुत ज़रूरी है हर मनुष्य के लिए। आवागमन के लिए बस सेवा नित्य आवश्यक है। मनोरंजन तो चाहिए ही, क्योंकि मनुष्य जो है, आज का जो मनुष्य है वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वो थक जाता है। तो सप्ताह में कम से कम एक दिन के लिए उसे मनोरंजन के लिए जैसे बाहर निकल कर जाए तो रंगमंच मिले, वो बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आरोग्य केंद्र के साथ साथ स्विमिंग पूल भी चाहिए, वो भी एक अच्छा ही व्यायाम होता है शरीर का। तो ये सारी सुविधाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे न होने पर छोटी छोटी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। तो सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाएं मनुष्य के लिए ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे कि अपना परिवार ही अपना एक घर है, और घर के बाहर जब हमारा जो जीवन है वो बहुत सार्वजनिक बन जाता है। सार्वजनिक जीवन में विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और सार्वजनिक सुविधा का मतलब है कि हम सब लोगों के लिए किया गया प्रबंध या व्यवस्था। हम सार्वजनिक जीवन में परिवहन, पाठशाला, दवाखाना जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक जीवन जो है वो सेवाएं तथा सुविधाएं सभी लोगों के लिए एक समान रूप में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ में करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए। स्थानीय शासन संस्थाएं और गांव की सुविधाओं के बारे में हम देखते हैं। हम में से कुछ लोग गाँव तथा कुछ लोग शहर में रहते हैं। गाँव की जनसंख्या प्राय कम होती है और शहर की जनसंख्या अधिक होती है।
शहर में कारखाने होते हैं, बाज़ार होते हैं, वहाँ रोज़गार के अवसर अधिक होते हैं। शहर में सार्वजनिक सुविधाएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है, चाहे गांव हो या शहर, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की शासन संस्था चलाती है, उसे ही हम स्थानीय शासन संस्था कहते हैं, जिसे सरकारी तंत्र भी कहते हैं। तो पहला हम देखते हैं, गांव का प्रशासन जो है वो ग्राम पंचायत चलाती है, नगर का प्रशासन नगर पालिका चलाती है, और बड़े शहरों के प्रशासन के लिए महानगर पालिकाएँ होती हैं। तो इनमें से हम जहाँ रहते हैं, हम गांव अथवा शहर में रहते हैं, तो हमारे लिए कौन सी स्थानीय शासन संस्था है बच्चों, ये आप लोग पता लगा लीजिए। हम मुंबई में रहते हैं तो हमारे लिए महानगर पालिका है, हम गांव में रहेंगे तो हमारे लिए ग्राम पंचायत चलती है। तो इस तरह से सुविधाएं हमें प्राप्त हैं। क्या तुम जानते हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। 1 मई 1960 के दिन महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। उस समय महाराष्ट्र में कुल 21,636 ग्राम पंचायतें थीं। 2010 के अंत में यह संख्या बढ़कर 27,993 हो गई। ग्राम पंचायत की स्थापना होने के लिए संबंधित गांव की जनसंख्या 500 होना आवश्यक है। जनसंख्या 500 से कम होने पर 2-3 गांव को मिलाकर एक सामूहिक ग्राम पंचायत बनती है, जैसा कि इसमें दिखाया है। देखिए, इसमें जनसंख्या 500 से अधिक है, इसलिए यहां पर एक ग्राम पंचायत कार्य करती है। आगे हम देखेंगे, करके देखो, इसमें हम ये देखेंगे कि स्थानीय शासन संस्था हमारे परिसर में कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। तो पहला आपको दिख रहा है कि पिता के साथ में बैंक जाती हुई लड़की, अर्थात यहाँ पर सहकारी बैंक की सुविधा है। दूसरा आप देख रहे हैं दूध की डेयरी, मतलब यहाँ पर दूध की डेयरी है, ये भी शासन द्वारा प्रशासन द्वारा सुविधा प्राप्त है। अंतर्देशीय पत्र निहारती हुई लड़की, अर्थात यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा है, डाकघर की सुविधा है। सहकारी संस्थान सूती मिल की व्यवस्था है, ये भी सहकारी संस्था चलाती है। ये सारी सुविधाएं जो है मनुष्य के लिए होती है, हमें इसका लाभ मिलता है। आगे हम देखेंगे, बताओ तो, देखिए हमारे द्वारा दिए गए कर की राशि या जो रुपया है, उसमें से हमें सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती है। हम जो कर भरते हैं उसी में से हमको ये सुविधाएं मिलती है, हमें उनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हम ही लोग देते हैं, जनता ही देती है, और फिर उसी से उसको सुविधा मिलती है, इसलिए उसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। ऐसा न करने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाओं पर दबाव पड़ता है, परंतु हम सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय संस्था जल की पूर्ति तथा सार्वजनिक स्वच्छता इत्यादि सेवाएं देती है। देखिए, यहाँ पानी हमें जल निगम से मिलता है, और सड़क साफ करने वाले सुबह आते हैं, आप देखते हैं ना, तो ये सारी सुविधाएं स्थानीय संस्था पूर्ति करती है इन सबकी। हमारी आवश्यकता तो उससे भी ज़्यादा है, उससे भी अधिक है, तो अधिक सेवाएं हमें मिलती है। अपने गांव में शायद हमने बैंक आपने देखा है, अपने शहर में हमारे माता पिता खर्च के बाद बचे हुए धन को बैंक में जमा करते हैं, वहाँ पैसे सुरक्षित रहते हैं और पैसों की बचत होती है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसे बैंक में से निकाल सकते हैं। और एक बात, जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें बैंक कर्ज भी देता है।
रिश्तेदारों और मित्रों सहेलियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए डाक सेवा का उपयोग किया जाता है। पूरे विश्व में हम कहीं भी पत्र भेज सकते हैं। कभी कभी एक ही परिसर में कुछ लोग एकत्र होते हैं, हमारी स्थानीय आवश्यकताएं कौन सी है उसे खोजते हैं, एक दूसरे के सहयोग द्वारा कौन सा उद्योग अथवा व्यवसाय करना है यह तय करते हैं, उस उद्योग अथवा व्यवसाय को प्रारंभ करने हेतु अपना थोड़ा थोड़ा धन एकत्र करते हैं और उस उद्योग का व्यवसाय से होने वाले लाभ को आपस में बांट लेते हैं। लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा स्थापित की गई ऐसी संस्थाओं को सहकारी संस्था कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर चित्र में आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आप ध्यान से इसे देखिए। बच्चों, क्या जानते हो आप, लगभग 400 वर्ष पहले एक डाक व्यवस्था निम्नानुसार थी। गोवलकोंडा नामक स्थान पर प्रत्येक 2-3 मील की दूरी पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। पहली झोपड़ी में एक पत्रवाहक रहता था। पत्रवाहक का अर्थ है डाक लेकर जाने वाला व्यक्ति। पहला पत्रवाहक पहली झोपड़ी की पूरी डाक का थैला लेकर दूसरी झोपड़ी में डाल देता था। वहाँ दूसरा पत्रवाहक थैला लेने के लिए तैयार रहता था और वह पत्रवाहक उस थैले को तुरंत उठाकर दौड़ते हुए अगली झोपड़ी में डाल देता था। डाक ले जाने की व्यवस्था इस विधि से की जाती थी। ऐसी व्यवस्था को ही डाक व्यवस्था कहते हैं। ये पहले हुआ करता था। हमें क्या करना चाहिए, आप ध्यान से देखिए। नल में टोटी न होने से पानी बेकार जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए अकोला तहसील की बहिरटवाड़ी की एक पाठशाला की बाल संसद ने एक उपक्रम चलाया, कक्षा में पानी की बचत विषय पर चर्चा प्रारंभ की गई। कुछ विद्यार्थियों ने यह विषय रखा कि गांव के नलों में टोटी न लगी होने के कारण पानी व्यर्थ बह जाता है। विद्यार्थियों ने यह पता लगाया कि नलों में टोटियां लगाने का काम किसका है। इसके बाद उस बाल संसद ने ग्राम पंचायत से नलों की टोटियाँ लगवाने का आग्रह किया। बाल संसद ने ग्राम पंचायत को नलों में टोटी लगाने के विषय में पत्र लिखा। कुछ दिन के बाद बाल संसद ने एक स्मरण पत्र भी भेजा। कुछ और दिन बाद नलों में टोटियाँ लगवा दी गई। इस प्रकार विद्यार्थियों ने इस समस्या का समाधान किया। पानी से संबंधित समस्या का निराकरण हम कैसे करेंगे, हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बात को। बच्चों, इस पूरे पाठ में हमने अब तक क्या सीखा, आइए हम संक्षेप में देखते हैं। सार्वजनिक सुविधा का अर्थ है हम सब लोगों के लिए दी गई सेवाएं। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत देखती है, नगर का प्रशासन नगर पालिका देखती है, बड़े शहरों के प्रशासन के लिए महानगर पालिकाएँ होती हैं। सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बैंकों में हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। हम पूरे विश्व में कहीं भी पत्र भेज सकते हैं। लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा निर्मित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया। आइए अब हम स्वाध्याय देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला, सार्वजनिक सुविधा का क्या अर्थ है? उत्तर पहला, सार्वजनिक सुविधा का अर्थ हम सब लोगों के लिए किए गए प्रबंध या व्यवस्थाएं है। दूसरा प्रश्न, सार्वजनिक जीवन में हम किन सुविधाओं का उपयोग करते हैं? उत्तर दूसरा, सार्वजनिक जीवन में हम परिवहन, पाठशाला, दवाखाना जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न,
स्थानीय शासन संस्था कौन कौन सी सेवाएं देती है? उत्तर तीसरा, स्थानीय संस्था जल की पूर्ति तथा सार्वजनिक स्वच्छता इत्यादि सेवाएं देती हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, जिन्हें आवश्यकता होती है खाली जगह, उन लोगों को कर्ज भी देता है। खाली जगह आप लोग ढूंढते रहिए, तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, रिश्तेदारों तथा मित्रों सहेलियों से संपर्क स्थापित करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। तीसरा, लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा निर्मित संस्थाओं को खाली जगह संस्था कहते हैं। तो पहले खाली जगह में क्या आएगा? बैंक। हम फिर से वाचन करते हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है बैंक, उन लोगों को कर्ज भी देता है। दूसरे में डाक सेवा। पढ़िए, रिश्तेदारों तथा मित्रों सहेलियों से संपर्क स्थापित करने के लिए डाक सेवा का उपयोग किया जाता है। तीसरा, सहकारी, लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा निर्मित संस्थाओं को सहकारी संस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए सांकेतिक वाक्यों के आधार पर तालिका शब्द पूर्ण करो। पहला, गांव का प्रशासन देखती है ग्राम पंचायत। दूसरा, नगर का प्रशासन देखती है नगर पालिका। तीसरा, बड़े शहरों के लिए होती है महानगर पालिका। तो आप इस तरह से पूरे पाठ का फिर से अध्ययन करिएगा, स्वाध्याय को पढ़िए, याद करिए, लिखिए और अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।